तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन या सीटू साइकिल की। ये एक ऐसी साइकिल है जिसको हम सीटू साइकिल या ग्लाइकोलेट साइकिल के नाम से भी जानते हैं। खास बात इसकी यह है कि ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, बेकार प्रोसेस। इसमें फायदे की जगह नुकसान होता है। इस शब्द को अगर आप समझें, अगर हम फोटो का मतलब लाइट और रेस्पिरेशन तो हम सब जानते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट CO2, यानी कि ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें CO2 का लॉस होता है। नॉर्मली ये डाइकॉट्स में पाई जाती है, यानी कि C3 प्लांट्स में। C3 प्लांट्स आप जानते हैं सब, वो प्लांट्स जिनके अंदर ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल, ड्यूरिंग द फूड फॉर्मेशन, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA। C3 साइकिल में पहला कंपाउंड ये बनता है PGA। कब बनता है? जब RuBP CO2 के साथ कंबाइन करता है, एंजाइम रूबिस्को इसको कैटालाइज करता है। रूबिस्को जब इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है तो RuBP CO2 को एब्जॉर्ब करके बनाता है फास्फोग्लिसरिक एसिड। फास्फोग्लिसरिक एसिड केल्विन साइकिल में जाता है और फूड फॉर्मेशन होता है। ये एक नॉर्मल साइकिल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब RuBP के पास, RuBP जो कि क्लोरोप्लास्ट में है, उसके पास CO2 और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो बिगड़ जाता है। यानी कि जब तक ये रेशो इक्वल है, जब तक CO2 और ऑक्सीजन का अमाउंट इक्वल है, तब तक रूबिस्को एब्जॉर्ब करता है CO2 को और बनाता है फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3-कार्बन कंपाउंड है, और ये केल्विन साइकिल में जाके फूड बनाता है। ये नॉर्मल साइकिल है। जब कभी भी ये O2-CO2 रेशो क्लोरोप्लास्ट में बदलता है, जब ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, उस समय ये RuBP, यानी कि आपका ये रूबिस्को एंजाइम, जिस एंजाइम का ये दुनिया में सर्वाधिक पाया जाने वाला एंजाइम है, द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन दिस अर्थ, विच कैन एक्ट एज कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज बोथ। ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी शो करता है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो करता है। अगर CO2 का अमाउंट ज़्यादा है तो ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, और ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है तो ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। इस समय RuBP के सामने ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, तो RuBP ने CO2 को एब्जॉर्ब करने की जगह ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया, और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके, यानी कि RuBP प्लस ऑक्सीजन, और ये बना दिया फास्फोग्लाइकोलेट, जो 2-कार्बन कंपाउंड है। हम यहाँ पर RuBP जो कि 5-कार्बन कंपाउंड है, इसके 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, यानी कि 10-कार्बन की बात हो रही है। 10-कार्बन की बात हो रही है। इधर बना है फास्फोग्लाइकोलेट जो 2-कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे हम, तो यहाँ पर समझिए कि 4 कार्बन आपके पास आ गए हैं। यानी 10 कार्बन यहाँ थे, 10 में से 4 कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इस रूबिस्को ने बना दिया फास्फोग्लाइकोलेट जिसमें 4 कार्बन है, 2-कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल है, टोटल 4 कार्बन हो गए। इस फास्फोग्लाइकोलेट ने 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट को रिलीज किया और बना दिया ग्लाइकोलेट, जिसमें इसमें भी 2 कार्बन है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बने। ग्लाइकोलेट इज द सबस्ट्रेट ऑफ फोटोरेस्पिरेशन, यानी ग्लाइकोलेट से ही फोटोरेस्पिरेशन की रिएक्शन स्टार्ट होती है। इसीलिए इस साइकिल को C2 साइकिल भी कहा जाता है। अब ये ग्लाइकोलेट जो बना कहां है? क्लोरोप्लास्ट में। ये क्लोरोप्लास्ट में बना है। ये ग्लाइकोलेट अब आएगा पेराक्सिसोम में। पेराक्सिसोम में आने के बाद ग्लाइकोलेट सबसे पहले क्या करेगा? ग्लाइकोलेट चेंज होगा ग्लाइऑक्सिलेट में। ये भी 2-कार्बन कंपाउंड है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, प्लस ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कैटालेज की प्रेजेंस में चेंज हो जाएंगे 2H2O प्लस ऑक्सीजन में।
तो ग्लाइकोलेट अब किस में चेंज हो गया, ग्लाइऑक्सिलेट में। ग्लाइऑक्सिलेट NH2 के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा ग्लाइसिन। अब आप गौर कीजिए, ग्लाइसिन भी दो कार्बन कंपाउंड है, इसके भी दो मॉलिक्यूल यहां पर बने हैं। ये काम कहां हो रहा है, पराक्सीसोम में हो रहा है। ग्लाइसिन जो पराक्सीसोम में बना, ये एक अमीनो एसिड है, आप जानते हैं सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है क्योंकि इसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होता है। तो ये अमीनो एसिड जो है ये आएगा आप माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइसिन जो कि टू कार्बन कंपाउंड है, इसके दो मॉलिक्यूल बने हैं और ये कहां आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद ग्लाइसिन चेंज होगा सीरीन में। सीरीन में चेंज होते समय इससे रिलीज होगी अमोनिया, एनएडी प्लस चेंज होगा एनएडीएच प्लस एच प्लस में, और आप देखें यहां पर निकल रही है CO2। चूंकि यहां पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई है शुरुआत में और निकली है CO2, इसलिए ये एक एक प्रकार का रेस्पायरेशन है। और इस रेस्पायरेशन से आप गौर से देखें तो ग्लाइसिन में के दो मॉलिक्यूल थे, यानी यहां पर चार कार्बन थे, एक कार्बन यहां पर निकल गया CO2 के फॉर्म में। अब कितने कार्बन बचे, तीन कार्बन बचे, तीन कार्बन का एक मॉलिक्यूल तैयार हो गया सीरीन। तो एक कार्बन का लॉस हो गया यहां पर। हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि जो 10 कार्बन हमारे पास थे उसमें से जो चार कार्बन यहां चले गए हैं, हम चारों को वापस लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक कार्बन CO2 के फॉर्म में लॉस हो चुका है, टोटल कितने कार्बन बचे, तीन कार्बन। तीन कार्बन का एक मॉलिक्यूल सीरीन बन गया। यह सीरीन अब वापस कहां आया, पराक्सीसोम में। पराक्सीसोम में वापस आया तो पराक्सीसोम में इस सीरीन से बन गया हाइड्रोक्सी पायरुवेट। इस हाइड्रोक्सी पायरुवेट जो कि तीन कार्बन कंपाउंड है और इसका एक मॉलिक्यूल बना है, इस हाइड्रोक्सी पायरुवेट से बना ग्लिसरेट और NADH, ये जो NADH यहां बना था, ये NADH चेंज हो गया NAD में। तो जब NADH NAD प्लस में चेंज हुआ तब ये बना ग्लिसरेट। कहां बना, पराक्सीसोम में। ये ग्लिसरेट जो थ्री कार्बन कंपाउंड है, ये फिर वापस कहां आ गया, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में इस ग्लिसरेट से बन गया फास्फोग्लिसरेट, यानी कि इसमें फास्फेट लग गया। ये फास्फेट कहां से आया, ये ATP से आया। ATP से ADP चेंज हुआ, तो जब ATP से ADP चेंज हुआ तो अब ये भी सवाल उठ सकता है कि ATP कहां से आया। ये ATP वही है जो लाइट रिएक्शन में हमने ATP और NADPH बनाया था, ये वही लाइट रिएक्शन वाला ATP है जो यहां पर खर्च हो रहा है। यानी वो ATP जो हमने लाइट रिएक्शन में बनाया था ताकि हम डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे, वो भी यहां पर खर्च हो रहा है। तब ये थ्री कार्बन कंपाउंड PGA बना। इस थ्री कार्बन PGA कंपाउंड जो बना है, आप गौर करें ये थ्री कार्बन कंपाउंड है, यानी कि इसके जो 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 चार कार्बन यहां से हमारे अलग हो गए थे, 10 में से चार, उन चार को वापस लाते समय एक कार्बन लॉस हो गया है, थ्री कार्बन कंपाउंड हम बना पाए हैं। ये जो थ्री कार्बन कंपाउंड हमने बनाया है इसमें एक कार्बन का लॉस हो गया है, यानी टोटल हमारे पास अगर हम यहां से बात करें तो 10 में से 9 कार्बन ही बचे। यानी अब जब ये PGA बना, फिर से जब केल्विन साइकिल स्टार्ट होगी तो जो फूड बनेगा वो जाहिर सी बात है कि कुछ कम बनेगा। चूंकि ये साइकिल C3 प्लांट्स में होती है, इसीलिए C3 प्लांट्स को इफिशियंट प्लांट्स नहीं कहा जाता है। ये फोटोरेस्पिरेशन C4 साइकिल में नहीं होती है, इसीलिए C4 प्लांट्स को जो है वो इफिशियंट प्लांट्स कहा जाता है। उनमें फूड का फॉर्मेशन ज्यादा होता है क्योंकि उनमें फोटोरेस्पिरेशन या C2 साइकिल नहीं होती, तो उनमें CO2 का लॉस नहीं होता है। तो ये फोटोरेस्पिरेशन की साइकिल है, जो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में पूरी आई होगी। ये कहां होती है, इट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इज इट बेनिफिशियल, नो, इट इज वेस्टफुल एज इट कंज्यूम्स CO2, इट कंज्यूम्स ATP, एंड व्हेन द RuBP इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन देन द टोटल फोटोसिंथेसिस डिक्लाइंस, फूड कम बनता है। और ये बात सबसे पहले बताई थी वारबर्ग ने, इसीलिए इस इफेक्ट को वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। वारबर्ग ने C2 साइकिल के बारे में नहीं बताया था, वारबर्ग ने यह बताया था कि अगर रूबिस्कोस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पर फूड की फॉर्मेशन कम होती है। ये साइकिल तो डेकर एंड टीओ ने बताई थी,
वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ये फोटो रेस्पिरेशन की साइकिल बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में पूरी आ गई होगी। थैंक यू सो मच।